न घर ऐं गाॾी फ्रीअ में मिलंदी आहे ऐं न कपिड़ो लतो, पर हा रिश्तो .com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्रीअ में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ासि करे छोकिरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो .com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर साल की तरह गणेश उत्सव के पहले जो फादर पूजन सोहरा रखा जाता है, आज उसका स्थापना हुआ है। और आप सभी को पता है कि यहाँ से ये पैर गणपति बाबा के लालबाग के यहाँ पर जो कारखाना है, वर्कशॉप है, वहाँ पर जाते हैं। उनके बाद हमारे गणेश जी की मूर्ति बनती है, उसके बाद हम आगमन करते हैं। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि यहाँ से जो जो आज दर्शन करके गया है, यहाँ दर्शन करने आएंगे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यहाँ से एक सीट लेके जाना, कि जो भी दर्शन करके जाएंगे एक सीट लेके जाना। किसी से भी आपको देखो हर कोई कमाता है फालतू उड़ाता है, लेकिन आपको एक ये निवेदन है मेरा कि कोई भी गरीब दिखे उसको भूखा मत दे देने, बस ये मेरी प्रार्थना है। और यहाँ से हमने गणपति बाबा से यही सीखा है कि हमारे शहर से हमारे मुल्क से हमको इतना प्यार है कि समझो जैसे बाढ़ आई थी तो हम लोग वहाँ पर अपनी जान के बिना परवाह किए हम लोग पानी में घुस के हम लोग ने सेवा की थी। तो ये कोई उसका वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सीख देना चाहता हूँ सबको। कोई कोई क्या रहता है, नाम सुनता है, अभी मेरा स्कूल में नाम रख दिया बॉक्सर, कि अरे बाबा है डेंजर। तो एक कैसा रहता है कि बाबा कोई कैसा लगता है, मैं भी बनूंगा, तो मेरे जैसे बनो, मैं चाहता हूँ सब मेरे जैसे बनो, लेकिन किसी की भी सेवा करो, मदद करो और अच्छे काम करो, बस यही मेरी। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये आज के शुभ अवसर पर आपने ये जो पद्म पूजन का कार्यक्रम रखा है, ये जैसा मुझे बताया गया कि ये लालबाग के राजा में होता है और उसके बाद में अपने उल्लास नगर में होता है, और इस शुभ अवसर पर आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया और मुझे इस लायक समझा, मेरा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट किया, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ आप सब लोगों का। सोनारा हाल के पास हर वर्ष की तरह हमारे बॉक्सर जी ने अजीत सिंह लबाना और उनकी पूरी टीम गणेश उत्सव की जो शुरुआत हो रही है उसके पहले पाद्य पूजन सोहला, जो पाद्य पूजन करते हैं वह पूजा आज यहाँ पर संपन्न हो रही है। और इस कड़ी में एक बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे उल्लासनगर एक के हमारे श्री फूल पगारे जी, दिलीप फूल पगारे जी का शुभ जन्म दिवस है। कई लोग सुबह से उन्हें जन्मदिन की शुभेच्छाएं दे रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा कि आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली दिन है कि आज पूनम पर गणपति के इस उत्सव में जहाँ पर पाद्य पूजन हो रहा है वहाँ पर उन्होंने आकर के अपना केक काटा। और यहाँ पर बुजुर्ग महिला जो हमारी माता जी जो अकेली रहती हैं, जिनका आशीर्वाद हम भी, अजीत जी भी, हम सब हमेशा लेते हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा, दिलीप फूल पगारे जी हमेशा नम्र स्वभाव के व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, सबसे एक जैसा व्यवहार, अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव, और सबसे व्यापारी हो, नेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको अच्छी तरह से अटेंड करना, उनसे उनकी बातें सुन लेना और उनके कार्य करना, यह उनकी खूबी है। और आज उन्होंने आज यहाँ पर सोनारा हाल के पास हमारे बॉक्सर जी और अजीत जी के गणेश उत्सव में पाद्य पूजन में भगवान का आशीर्वाद दिया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। और यहाँ पर यह जो बॉक्सर रूल गणपति है, यह यहाँ का उल्लासनगर का सबसे बड़ा जो गणेश उत्सव यहाँ पर होता है, आज भी आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, 5 बजे से दर्शन के लिए लोग तैयार हैं यहाँ पर। और जब गणेश उत्सव शुरू होगा तब भी डेली हजारों लोग दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जैसे कि आपने बताया कि लाल बाग के बाद यहाँ पर, तो यह जो प्रथा है यहीं पर होती है पाद्य पूजन का कार्यक्रम उल्लासनगर में, मुझे शायद मैंने देखा नहीं कि और कहीं होता हो, लेकिन यहाँ पर अवश्य होता है। और यहाँ पर भगवान को विराजमान करके
विधिवत पूजा कार्यक्रम होते हैं, वैसे अजीत जी गणपति बाबा उत्सव के सिवा और भी हमारे गुरुओं के जो जन्मदिन है, उनका जो प्रकाश उत्सव है वो मनाते हैं, गरीब लोगों में भंडारा वितरण करते हैं, सेवा का कार्य उनमें कूट कूट कर भरा है। तो मैं सभी का, खास तौर पर हमारे फूल पकारे जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर जो हजारों में संख्या में लोग हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय, हमारे साहब का भी समय बहुत बहुत। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।